मेरा ये क्रेज है मेरा पैशन है मैं वही बता रहा हूँ कि मैं नींद से ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि मैं ये करूँ तो मुझे सुकून मिलेगा जे मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है मैं थैंक्स कहूँगा हमारे जो आई जी साहब हैं मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ बचपन से शौक है स्कूल लेवल पर मैं अपने जो छोटे मेरे अपना साथ के साथी होते थे दोस्त होते थे उनके मैं छोटे चोट छोटे एनिमल्स की ड्राइंग स्केच कार्टून की ड्राइंग्स मैं इस तरह उनको अपना ड्रा करके देता था 2014 में बेसिकली जो हमने डॉल्फिन जॉइन की फर्स्ट बैच अलहमदल मेरे था डॉल्फिन का जब आप आर्ट में बिजी होते हैं तो जब ड्यूरिंग वर्किंग जब आपको कॉल आती है क्या ये आप छोड़ के फौरन से ड्यूटी पे होते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन स्टूडियो फाइव के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान जी तो नाजरीन आज हम सैयद जैन साहब के पास मौजूद हैं नाजरीन जब मैं यहाँ पर पहुँचती सैयद जैन साहब के पास मैं बहुत हैरान हुई इनकी बहुत एक खूबसूरत आर्ट देख के हैरान इस बात पर हुई कि इतनी टफ ड्यूटी के साथ डॉल्फिन की ड्यूटी के साथ इन्होंने मतलब कि अपने फ्री टाइम पे जो ड्यूटी से जब ये फ्री होते हैं तो इसको किस तरह इसके लिए टाइम निकालते हैं किस तरह ये सर्वाइव कर रहे हैं किस तरह मतलब इनको क्या वाइब्स आ रही हैं कि दोनों तरफा ड्यूटीज़ करके आ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हु जब मैं इनके यहाँ पे इनकी जगह पे इनकी प्लेस पे जब मैं पहुँचू और मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में और मैंने डिफरेंट किस्म की मैंने ब्यूटीफुल मैंने ये आर्ट्स इनकी सीनरीज वगैरह देखी हैं तो हम बात करते हैं मज़ीद जानते हैं सैयद जैन साहब से असलम सर वालेकुम सलाम सर कैसे मिजाज है जी, आप जी अलहमदिल्ला आप सुनाएँ अलहमदिल्ला सर आप मुझे ये बताएँ कि डोल्फन आपने कब जॉइन uh, मैम 2014 में बेसिकली जो हमने डोल्फन जॉइन की फर्स्ट बैच अलहमदल मेरे था डॉल्फ़िन का तो ये भी एजाज़ हासिल है कि जो पहला बैच डॉल्फ़िन का वो हमारे था तो तब मैंने ज्वाइन की डॉल्फ़िन ग्रेट अच्छा मुझे ये बताएं ये जो इतनी खूबसूरत आर्ट मुझे नज़र आ रही है मेरे चारों तरफ तो इसका ख्याल कब आया जी बिल्कुल ये ख्याल तो कह लें कि बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था तो पहले मैंने घर में छोटी सी गैलरी बनाई हुई थी थोड़ा बहुत उधर वर्किंग करके मैं अपने जो वाल्स से उधर हैंग करता रहता था फिर मैंने थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की कि, कि मेरे जो दोस्त अहबाब विज़िट करना होता था जब उन्होंने तो वो मतलब तो मुनासिब नहीं लगता था मतलब मैं घर लेके जाऊँ फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत अपनी साइड में मैं अपनी कोई वर्कशॉप बना लूँ फिर मैंने अपनी वर्कशॉप बना ली जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ और अपना जो शौक पूरा करके अपनी जो पेंटिंग्स होती हैं वो मैं हैंग कर लेता हैं तो आपने डॉफन पुलिस को ज्वाइन किया तो क्या एक्सप्रेशन क्या थे आपको टफ़ लगी ये फील्ड और जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं किसी भी टाइम आपको कॉल आ जाती है भाई इसी टाइम आप ड्यूटी पे हाजिर हो जाओ और फ़लह जगह आपने रेड करनी है जगह ये बकुआ है आपको मतलब आप आप ये जब जब आर्ट में बिज़ी होते हैं तो दूरिंग uh, जब आपको कॉल आती है क्या ये आप छोड़ के फौरन से ड्यूटी पे होते हैं? जी बिल्कुल सबसे पहले तो मेरी जॉब है मेरी ड्यूटी मेरे लिए क्योंकि हमने अहद लिया इस धरती की खिदमत करने का इसकी हिफाजत करने का तो फर्स्ट प्योरिटी मेरी ड्यूटी है और अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छी वाइफ्स हैं कि मतलब एक, एक मुहाफ़ है हैं हम इस कौम के ये एक नेकी भी है और ड्यूटी तो है ही है नेकी भी नेकी समझ के अलहमदिल्ला हम करते हैं ड्यूटी और अपना खलूस दिल से अलहमदुल्लह ड्यूटी करते हैं जब जब आवाज़ आती तो है तो अलहमदल्ला हम हाजिर होंगे सही माशाल्लाह गुड अच्छा आप मुझे बताएँगे बचपन से शौक़ है आपको इस आर्ट का जी बिल्कुल अलहमदिल्ला मुझे बचपन से शौक़ है स्कूल लेवल पर मैं अपने जो छोटे मेरे अपना साथ के साथी होते थे दोस्त होते थे उनके मैं छोटे चोट छोटे एनिमल्स की ड्राइंग स्केच कार्टून की ड्राइंग्स मैं इस तरह उनको अपना ड्रा करके देता था उनकी हेल्प हो जाती थी और मेरा शौक पूरा हो जाता था तो बस क्या है कि मुझे बचपन से शौक़ और मैं अब तक अलहमदुल्ला करता आ रहा हूँ अच्छा मुझे सर ये बताएँ सैद जैन साहब कि जब भी आपके फादर ये आपके फ़ादर या आपकी खूबसूरत सी आर्ट देखते हैं तो उनके क्या एक्सप्रेशन होते हैं और उस टाइम पर आपकी कैसी वाइब्स होती बेसिकली वाल साहब की तो मेरे डेथ हो गई है अल्लाह उनको जन्नत में जगह था फरमाए बाकी जब उनको जब वो हयात थे तो देखते थे वो, वो बहुत खुश होते थे ज़्यादा खुश वो इसलिए होते थे कि चलो उनकी खातिर मैंने फ़ोर्स ज्वाइन की है और अपनी विश को लेके ये साथ ये लेके चल रहा है तो इन दोनों चीज़ों को देख के ना वो कहते थे यार बच्चे में ना वाकई कुछ एक अलग करने की जस्तजू है इसमें जुनून है तो वो कहने के मुझे ना प्राउड करते थे मुझ पर और कहते थे कि यार ये बच्चा कुछ अलग है दूसरे लोगों से उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट या मेरे मतलब कोलीग्स ही कह लें ड्यूटी करके जब जाते हैं तो ओबियसली थक जाते हैं टाइट हो जाते हैं तो आराम की ज़रूरत होती है आराम के लिए आपको पता है सोना होता है और रेस्ट तो मैं वाद हूँ कि जब मतलब मैं थकावट फील करता हूँ ड्यूटी से आता हूँ तो मैं जब अपना आर्ट आके करता हूँ तो मुझे तब सुकून मिलता है तो वो मेरी फैमिली ये चीज़ देख के पहले तो उनको उनजुब का शिकार थी कि मतलब ये कैसा वो बच्चा है कि ये क्या कर रहा है ये ड्यूटी भी कर रहा है और आके ये करता है मुझे बहुत दफ़ा कहा भी गया कि बेटा आप, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी आप ये ना करें आप अपना रेस्ट करें तो मैं उनको बताता था मेरा रेस्ट है ही ये काम आहस्ता आहिस्ता जब उनको फील हो गया कि भाई ये इसके बगैर नहीं रह सकता फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब वो देखते थे एक मेरा मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है या मतलब वो फिर मुझे खुद कहता था कि भाई आप आर्ट करें <laughs> तो मैं आर्ट करके अलहमद मैं अपना कंफर्टेबल फील करता हूँ आपका जुनून है ये आपका क्रेज है बिल्कुल बिल्कुल मेरा ये क्रेज़ है मेरा पैशन है मैं वही बता रहा हूँ कि मैं नींद से ज्यादा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि मैं ये करूँ तो मुझे सुकून मिलेगा अच्छा कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा आपका बचपन से स्कूल, स्कूल लाइफ बिल्कुल स्कूल से आप देख लें कि वन टू क्लास जो होती है तब से लेकर एक्सपीरियंस आ ही रहा हाँ आप ये कह सकती हैं कि प्रोफेशनली मतलब इस चीज़ को आपने कब समझा वो ऐसे है कि एट्थ क्लास और मैट्रिक क्लास में मेरा ना अपना आल पंजाब में कंपटीशन हुआ था तो वहाँ पे भी अलहमदिल्ला मैंने विन किया फ़र्स्ट प्राइज़ लिया तो फिर जो मेरे स्कूल के इस थे वालिद साहब थे उन्होंने देखा कि मतलब बच्चे में ना ये चीज़ करने का कुछ ज़्यादा कह लें कि शौक है कि होता है दूसरी भी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे क्रिकेट हो गई गेम्स हो गई लेकिन वो देख रहे थे ज़्यादा फोकस इसका इस चीज़ पर है फिर कह लें कि उन्होंने मेरा खुद रुझान ना उस तरफ किया मेरे इस ने और मेरे वाल साहब ने तो मैं नाइन्थ टेंथ और मैट्रिक के बाद कह लें प्रॉपर इस काम के तरफ आया फिर मैंने जो मेरे इस हैं जिनमें सर फहरिस्त हैं आरिफ अंजुम साहब उमैर सलीम साहब वो बहुत अच्छे कह लें कि टीचर हैं वो ऐसे टीचर हैं जो आज तक कैमरे के सामने आए ही नहीं हैं मेरा अगर काम का ही लेवल है तो सोचे मेरे इस का क्या होगा ठीक है तो कह लें कि उन्होंने मुझे सही मायनों में बताया कि पेंटिंग क्या होती है आर्ट क्या होता है कलर्स में खेलना क्या होता है तो उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया और उनकी मेहनत से आज मैं अलहमदिल्ला आपके सामने हूँ माशा माशा लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसड हुई हूँ आपकी आर्ट देख के कितने लोग दीवाने हैं इसके साथ साथ आपके भी हो जाए हो गए होंगे <laughs> <laughs> बिल्कुल चाहने वाले तो हर एक के होते हैं तो लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर अगर कर लोग करूँ तो मैं अपने आर्ट से करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इंस्पायर हैं इवन के मेरे जो डिपार्टमेंट में मेरे जो कोलीग्स हैं मेरे अफसनाने बाला हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को सराहते हैं मुझे पुश करते हैं कि आप ये चीज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं ऐसा तरीके से कर सकते हैं तो आप इसको करें तो अल्हमदा मुझे मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है मैं थैंक्स कहूँगा हमारे जो आई साहब हैं मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे यंगस्टर्स को सामने आने का एक तो मौका दिया और अपना टैलेंट दिखाने का जो है ना उन्होंने हमें एक मौके फराहम किए एक हमारे आईजी साहब और दूसरे जो हमारे एसपी डॉल्फिन हैं ज़ुहैब साहब मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने हम जैसे यंगस्टर्स को मौका दिया सामने आने का और आप इतने आसन तरीके से अपनी ड्यूटी को भी सर अंजाम दे रहे हैं आप जैसे लोगों को हमारा सलूट है सर कि आप अपनी ड्यूटी को भी टाइम देते हैं अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं और अपने जो मतलब पार्ट टाइम पर आप इसको भी टाइम बिल्कुल बिल्कुल जी आपका शुक्रिया और आपका आप जैसे जो मीडिया हैं उनका मैं बेसिकली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं हम जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने लेके आते हैं बेसिकली जो एक स्टेप होता वो है वो हैं ही आप लोग जो सी का स्टेप होता है आप लोग अगर मौका देंगे आवाम को और लोगों को दिखाएँगे लोगों में शौर पैदा होगा तो ही लोग इस चीज़ की तरफ आएँगे और इसको पसंद करेंगे तो मैं सबसे पहले आप लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं